दोस्तों आज मैं आई हूँ चंडीगढ़ की मार्केट में और जानेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से मार्केट हैं जहाँ आप दिल खोल के शॉपिंग कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गौरी और स्वागत है आपका आपके चैनल ट्वेंटी फुल में, मेरा भारत मेरी नजर से। आइए दोस्तों चंडीगढ़ के आज के सफर की शुरुआत करते हैं चंडीगढ़ के फेमस मार्केट सेक्टर 17 और यहाँ की स्टाइल में बोले तो सेक्टर 17 मार्केट से। सेक्टर 17 का मार्केट एक बहुत बड़ा और वेल डिजाइन मार्केट है और महंगा भी, क्योंकि आपको यहाँ 90% ब्रांडेड शॉप से मिलेंगी और 10% अदर शॉप्स। अगर आप ब्रांडेड शॉपिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए ये मार्केट एकदम राइट चॉइस है। यहाँ आपको दिखाने के लिए तो ये शॉप्स ही हैं, मगर इस मार्केट को आप जरूर विजिट कर सकते हैं। लेकिन इस मार्केट में शाम को आएंगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, यहाँ शाम का माहौल कुछ अलग ही होता है। सेक्टर 17 का ये मार्केट इतना बड़ा है कि आपको किसी भी शॉप तक जाने के लिए पैदल चलने की जरूरत नहीं है। आपको हर शॉप तक जाने के लिए बैटरी व्हीकल मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री। यहाँ पर आपको कुछ रोड साइड सेलर्स भी मिलेंगे जो ब्रांड बोलकर आपको कुछ चीजें बेचना चाहेंगे, तो इनसे बचकर रहें, ये सब फेक हैं। हमें इस मार्केट की थोड़ी जानकारी मिली हमारे कैब ड्राइवर से, जो उत्तराखंड के मूल निवासी हैं और कई वर्षों से चंडीगढ़ में कैब चला रहे हैं। ये है नीलम सिनेमा है। अच्छा। ये पूरा प्लाजा है सत्या शूटिंग का। अच्छा। कहीं भी घूम लो, कल्पना करना कि उस समय में देखो बनाया है तो कितना भीड़ होती होगी, क्या होगा, यहाँ काम होते रहता था, चारों तरफ भीड़ होती रहती थी। अभी इसकी शोरूम की बनावट देखो तुम, कितना अच्छे ढंग से है। मतलब मेन शहर पहले यही था, मतलब शॉपिंग सेंटर एक प्रकार का ही था। प्रोग्राम कल्चरिंग प्रोग्राम भी हुआ करते थे, तीन चार इसके चारों तरफ से हॉल भी थे, बहुत जबरदस्त था सर ये। अब तो जब से ये मॉल सिस्टम आया ना, तब से इस पर प्रभाव ये सेक्टर में फर्क पड़ गया। ठीक है सर, चलिए धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत वेलकम, आपका बहुत बहुत अच्छा लगा। हाँ धन्यवाद, धन्यवाद। चलिए ठीक है सर, आप उत्तराखंड से हैं तो बड़ा अच्छा लगा इस शहर में उत्तराखंड में। धन्यवाद, ठीक है, ओके 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 ओके। सेक्टर 17 का ये मार्केट प्लाजा काफी बड़ा है, ये एरिया बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ब्रांडेड शॉपिंग आप कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी ब्रांडेड शॉप्स हैं, तो अगर आपको ब्रांडेड शॉपिंग करनी है तो उसके लिए ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपको ब्रांडेड शॉपिंग करनी है तो आप इस मार्केट में आइएगा। तो चलिए अब चलते हैं दूसरे मार्केट में। सेक्टर 17 से अब हम पहुंचे शास्त्री मार्केट। कोरोना काल से पहले जब मैं यहाँ आई थी तब ये मार्केट काफी ज्यादा बड़ा था और काफी फैला हुआ था, लेकिन इस बार ये बिल्कुल अलग ही था। यहाँ के सभी मार्केट काफी बड़े हैं, तो पहले इन्हें एक नजर देख लिया जाए। तो चलिए चलते हैं, फटाफट से पहले विजिट कर लेते हैं और जान लेते हैं कि ये मार्केट है कैसे। आप यहाँ किसी भी मार्केट में एंटर करेंगे तो अंदर अंदर आपको ढेर सारी गलियाँ दिखाई देंगी और उनमें ढेर सारी शॉप्स हैं। बाहर जाने का रास्ता याद रखना, वरना भूल भुलैया में आप गुम भी हो सकते हैं। लेकिन लेडीज की बात करें तो उनके गुम होने के लिए तो यही बेस्ट प्लेस है ना। ये एक अच्छा बड़ा मार्केट है, कहीं बार्गेनिंग है तो कोई अपने फिक्स रेट पर ही अड़ा है। कपड़ों के लिए खासकर पंजाबी सूट और पंजाबी चूड़ा, इनसे नजरें हटाना थोड़ा सा मुश्किल था। वेडिंग कलेक्शन भी यहाँ आपको मिलेगा, बजट कैसा भी हो लेकिन वैरायटी की कोई कमी नहीं है। इनफैक्ट कहीं कहीं कंफ्यूज होके तो मैं कुछ ले ही नहीं पाई। बाहर आने के बाद ये जो स्ट्रीट मार्केट छोटा सा कर दिया गया है, ये काफी बड़े एरिया में हुआ करता था और सामान भी हर तरह का होता था। बट अब यहाँ कुछ ही शॉप्स थी जो सस्ती तो थी लेकिन क्वालिटी मुझे समझ नहीं आई। और अगर आप बाहर से आए हैं और साइज इशू हो जाए तो चेंज करना भी बहुत ही मुश्किल था, तो इसीलिए मैंने तो रिस्क नहीं लिया। ये वन पीस ड्रेसेस सिर्फ हैं 350 रुपये में, इसमें आपको अपना साइज चुनना है। टॉप सिर्फ 100 रुपीज।
सेक्टर 22 का शास्त्री मार्केट काफी बड़ा मार्केट है और यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स हैं। ज्यादातर शॉप्स फिक्स्ड प्राइस की हैं, लेकिन आप यहाँ अगर बार्गेनिंग करेंगे तो हो सकता है कि आपको थोड़ा डिस्काउंट मिल जाए। इसके दूसरी साइड में स्ट्रीट शॉप्स भी हैं जहाँ पे ऑलरेडी प्राइस बहुत कम है, सेल आइटम है वहाँ पर, और वहाँ पर आपको शायद बार्गेनिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, प्राइसेस इतने कम है। मैं आ गई हूँ सेक्टर 19 के सदर मार्केट और आइए देखते हैं कि ये मार्केट कैसा है। सदर मार्केट भी एक भूल भुलैया की ही तरह लग रहा था। छोटी छोटी गलियां और छोटी बड़ी शॉप्स, समझ ही नहीं आ रहा था कि कहीं मैं फिर से तो शास्त्री मार्केट में नहीं आ गई। ये मार्केट भी शास्त्री मार्केट की ही तरह था और सब तरफ कपड़े ही कपड़े थे। यहाँ भी मिला जुला असर था, कुछ बार्गेनिंग को तैयार थे तो कुछ बिल्कुल भी नहीं। लेकिन शॉपिंग करने आए हो और बार्गेनिंग नहीं किया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यहाँ के मार्केट बड़े हैं और मजेदार भी, तो यहाँ टाइम निकाल कर ही आइएगा। पहुंच चुकी हूं अब पालिका बाजार और आइए अब इस मार्केट को भी देख लेते हैं। सेक्टर 19 के इस बाजार से निकलकर अब हम पहुंचे यहां के पास में ही पालिका बाजार में। पालिका बाजार भी बाकी बाजारों की ही तरह था। आप सदर बाजार आए हैं तो यहां भी घूम सकते हैं, क्या पता आपको अपने मतलब की चीज यहां मिल जाए। दोस्तों ये थे चंडीगढ़ के फेमस मार्केट। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। मिलूंगी मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।